दोस्तों आपको पता है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह कहाँ हुआ था? अगर नहीं पता है तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी जगह ले जाने वाले हैं जहाँ पर भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा उत्तराखंड के हरिद्वार में, और हरिद्वार से आपको बसेस वगैरह मिल जाती है जो कि आपको सोनप्रयाग लेके आती है। सोनप्रयाग से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पे है त्रियुगी नारायण का मंदिर। ये वही जगह है जहाँ भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। सो गाइस, त्रियुगी नारायण मंदिर के रास्ते में मैं हूँ। सोनप्रयाग है, सोनप्रयाग की पार्किंग से आपको ऊपर एक रास्ता डाइवर्ट हो रहा है, उस रास्ते पे आना है। वहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पे है त्रियुगी नारायण जी का मंदिर। उसकी हिस्ट्री मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, पूरी वीडियो देखिएगा, और काफी प्राचीन मंदिर है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और देखो यहाँ से सोनप्रयाग का कितना प्यारा व्यू है, और ये जो पहाड़ी है ना, ये केदारनाथ ट्रैक है पूरा जो आप सामने देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, और मेरे साथ में है हमेशा की तरह नीरज भैया, हम दोनों साथ में जा रहे हैं। अभी करीब हमें एक घंटा लग जाएगा क्योंकि काफ़ी घुमावदार रोड है। त्रियुगी नारायण मंदिर जाना चाहते हैं तो सोनप्रयाग और सीतापुर से आपको टैक्सीज वगैरह मिल जाती है जो कि आपको मंदिर तक ले जाती है। भाई 13 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं आ चुका हूँ त्रियुगी नारायण मंदिर पे, और यहाँ पे देखो रुकने की भी व्यवस्था है, गेस्ट रूम वगैरह बन रखे हैं। तो ये मंदिर है, मंदिर के अंदर जैसे ही आप एंटर होंगे यहाँ पे आप प्रसाद की थाली ले सकते हैं, 100 रुपये 50 रुपये की थाली है। तो ये आ गया मैं मंदिर। तो देखो ऐसे ही केन वगैरह पानी ले जा सकते हो। यहाँ पे 3 कुंड है, एक है ब्रह्म कुंड, एक है विष्णु कुंड, एक है रुद्र कुंड। ये मेन मंदिर है, और बिल्कुल ये इस मंदिर को देखे हुए तो ऐसा लगेगा भगवान केदारनाथ जी का मंदिर है, वैसा ही ये मंदिर बनाया गया है। ये रुद्रकुंड, रुद्रकुंड, तीसरा विष्णु कुंड, चौथा सरस्वती कुंड, और पांचवा जहाँ पे शिव पार्वती का शादी हुआ था वो कल्याण स्थल है, लगन चौरी है वो। अंदर में भगवान नारायण के दर्शन है और अखंड अग्नि है। यहाँ पे शिव और पार्वती का शादी हुआ था, राजा हिमालय ने अपने पुत्री पार्वती का कन्यादान भगवान विष्णु को साक्षी करके यहाँ पे, और विवाह के अंदर जो भी देवी देवता शामिल हुए थे ना, उन्होंने रुद्र कुंड में स्नान किया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कुंड बनवाया, अपनी शक्ति से ब्रह्म कुंड बनाया। भगवान शंकर ने अपनी शक्ति से रुद्र कुंड बनाया। ये विष्णु भगवान ने अपनी शक्ति से रुद्र कुंड है, और चौथा सरस्वती कुंड है, सरस्वती माता का कुंड है, वहाँ पे पितरंजलि होती है। तो पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, पूजा करवाने से पहले पंडित जी ने बोला तीनों कुंड के छीटे अपने ऊपर लगा लो। अच्युताय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः। विष्णु कुंड है, भगवान के चरणों का जल है। ये जल जो है विभिन्न बीमारी में काम आता है, पेट रोग में काम आता है, कैंसर रोग में काम आता है। विष्णु कुंड, हाँ जी, विष्णु कुंड का जल जो है विभिन्न रोगों में काम आता है, पेट की व्याधि में काम आता है, कर्क रोग में काम आता है। भगवान के विष्णु के चरणों का जल होता है। गाइस मैंने मंदिर के दर्शन कर लिए, पूजा भी करवा ली है। काफी अच्छा मंदिर है, और काफी अच्छे से पूजा पाठ कराई जाती है यहाँ पे, और काफी अच्छा मंदिर है। जब भी आप आ रहे हैं तो जरूर आइएगा। तो गाइस यहाँ से मंदिर का व्यू बिल्कुल आपको श्री केदारनाथ बाबा के मंदिर के जैसा लगेगा। और देखो मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, लेकिन ये जो मंदिर है भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को, भू देवी को समर्पित है।
भाई जो विष्णु कुंड है ना वहाँ का पानी ले आना मत भूलिएगा, क्योंकि उस पानी से कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। और गाइस मंदिर के अंदर ही अखंड अग्नि कुंड है, जहाँ पे आप लकड़ी वगैरह खरीद के उस अग्नि के अंदर डाल सकते हैं, और वो भगवान शिव के विवाह के उस समय से वो अग्नि कुंड अभी भी जल रहा है, तो उसे अखंड अग्नि कुंड बोला जाता है। गाइस मेन मंदिर के पास में ही बना है माता अन्नपूर्णा जी का मंदिर, यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं, पूजा पाठ करवा सकते हैं। इस मंदिर के अंदर अलग अलग जगह आपको पंडित नजर आएंगे, जो कि अलग अलग विधि विधान के साथ आपकी पूजा पाठ करवाते हैं। अगर देखो आप ये आरती वगैरह भी कराना चाहते हैं तो इनका आरती का शुल्क है, जो कि आप देके आरती वगैरह भी कर सकते हैं। तो यही था इस मंदिर में दिखाने के लिए, लेकिन जो यहाँ का कुंड है ना वहाँ का पानी ले जाना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप आ रहे हैं पानी ले जाना मत भूलिएगा। मैंने आपको दिखा दिया है त्रियुगी नारायण जी का मंदिर, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है, और दिखने में बिल्कुल बाबा केदारनाथ के मंदिर की जैसे है। जब भी आप आ रहे हैं केदारनाथ दर्शन करने के लिए तो सोन प्रयाग से 13 किलोमीटर की दूरी पे है, ज़रूर आइएगा, काफ़ी अच्छा मंदिर है। और जो यहाँ पे पूजा कराई जाती है विधि विधान के साथ कराई जाती है अलग अलग पंडितों के द्वारा। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।